ओके हम टूल से शुरू करते हैं, आप बताएं एंजी। चूंकि हम रोलर्स की बात कर रहे थे तो देखिए आजकल ये वेलक्रोज मिलते हैं, पहले तो वो ब्रश रोलर्स होते थे, ये बड़े सस्ते मिल जाते हैं। सो जिनको अपने बालों में बॉडी चाहिए होती है तो उनको फिर ओवरनाइट टॉर्चरस वो लगाने की जगह ये है कि यू जस्ट, और इनके साथ आपको पिंस की इतनी जरूरत नहीं होती, चिपक जाते हैं बाल, और ये डिफरेंट साइजेस में आते हैं। तो इससे बड़े वाले साइज भी होता है, जंबो साइज जो है इतना, ये है ना, जब आपको बॉडी देनी होती है ना, खास तौर पे फ्रंट पे आपको जब ब्लो ड्राई वाला लुक और बॉडी चाहिए तो वो तुम लोग यही करते हो, ब्लो ड्राई करके लगा देते हो, इससे भी और बड़ा आता है, जिससे भी बड़ा आता है, इतना बड़ा बॉडी उतनी स्ट्रेट होंगे जी। उसमें ये है कि ब्लो ड्राई भी अगर आप करा लेते हैं तो बाय द टाइम आप घर चली जाती हैं और आपको इवेंट पे जाने का जब टाइम होता है तो बाल एकदम फ्लैट हो जाते हैं। तो ब्लो ड्राई करवाने के बाद भी अगर आप ये लगा लें या खुद भी ब्लो ड्राई कर लें उसके बाद ये लगा के एक दो घंटे छोड़ दें बालों में, जब आप ये निकालेंगे तो आपके बालों में जो भी आपके बालों का साइज है या जिस किस्म का आप कर्ल चाह रहे हैं तो इससे बहुत इजीली हो जाता है। वैसे एक बात है, रोलर्स पूरे डाल दो बालों में ब्लो ड्राई के बाद उतारो, उसकी तो बॉडी और लुक अलग ही चाहे आप टॉन्ग। अच्छा एक और चीज मैं नोट करती हूँ, हमारे यहाँ इतनी ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ब्लो ड्राइज चलते नहीं हैं, जैसे अक्सर मैं खवातीन से सुनती हूँ कि जी हम सैलून से ब्लो ड्राई करा के निकले, गाड़ी में बैठे फुस हो गया या फ्रिज आ गया, फूल गए बाल, ठीक है। सो दे डोंट रियलाइज के देयर इज अ मेजर रोल जो प्रोडक्ट अदा करता है, और ख़ास तौर पे आज के दौर में देयर इज सो मैनी नाइस हाई एंड प्रोडक्ट्स जो आपकी इस तरह की छोटी छोटे मसाइल को हल करते हैं, जिसमें बॉडी बूस्टर से लेकर रूट पंप से लेकर जो आपके रूट्स को इतना इतना आपका बाल उठ जाएगा। तो अगर आपका बाल पतला है, जिन खवातीन के पास कहते हैं ना जी चार बाल रह गए ये वो, हम ब्लो ड्राई कराएंगे तो अजीब हो जाएगा, कर्ल्स कर दो, हर वक्त कर्ल्स करती हैं सिर्फ इसलिए कि दे थिंक के दे हैव लेस हेयर, सो दे कैन यूज़ रूट पंप्स ऑन देयर जो आपके स्कैल्प का ऑयल जो है वो कंट्रोल करके रखते हैं फॉर आवर्स एंड आवर्स, ठीक है। इस तरह की चीजें आती हैं एंड देन यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ रोलर्स ऑल्सो टू लेट देम स्टे फॉर longer period. So serum से लेकर body boosters, volumizers and also what I feel for the flat hair, the major mistake which people do is के they do not realize के अगर आज let's suppose अगर आज मुझे कोई बहुत voluminous look चाहिए और generally मैं एक milky shampoo use कर रही हूँ जो कि मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा अपने अंदर अमाउंट में रखता है, ठीक है, विच इज़ लाइक फॉर अ ड्राई हेयर ड्राई स्कैल्प। तो मैंने अपना शैम्पू यानी अपनी जो बेस है, अगर एक बिल्डिंग की बेस ही गलत बनेगी तो वो बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती, उसी तरह अगर मेरा स्कैल्प मॉइस्ट है और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा बाल ब्लो ड्राई वॉल्यूमिनस होगा, मैं ऊपर मूज डाल लूँ, मैं ऊपर कुछ भी डाल दूँ, नहीं होगा, क्योंकि मेरा बेस मॉइस्ट है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू हैव दैट वॉल्यूमिनस हेयर, आप कोशिश करें कि आप ट्रांसपेरेंट शैम्पू से अपना बाल धोएं उस पर्टिकुलर डे में, कि ज़रूरी नहीं है हर रोज़ इस्तेमाल करें, ताकि वो मिल्की शैम्पूज जो होते हैं वो आपको मॉइस्चर ज़्यादा दे देते हैं और जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनमें इतना नहीं होता, और कंडीशनर सिर्फ एंड्स पे लगा लें ताकि आपका ये जो हिस्सा है वो इतना ज़्यादा मॉइस्ट हो ही ना, मॉइस्ट नहीं होगा तो वॉल्यूमाइजर को भी पकड़ेगा, मूस को भी पकड़ेगा, रोलर को भी पकड़ेगा, वो क्या होता है वो क्लीन करने के चक्कर में दे यूज द बेस्ट शैम्पू एंड यू नो ये वो, और वो होता क्या है कि वो फ्लैट कर देता है। अच्छा बिनिश मैं क्या करती हूँ कि मेरे बालों में कभी भी मैं जो कंडीशनर है ना वो मैं यहाँ से स्कैल्प के पास से कभी भी नहीं लगाती, मैं हमेशा एंड्स पे करती हूँ। या बिकॉज़ यू आर अ हेयरड्रेसर, बिकॉज़ यू आर अ हेयरड्रेसर यू नो व्हाट अ कंडीशनर इज डूइंग, अ ले पर्सन एक आम औरत समटाइम्स, तो आई हैव सीन पीपल जो कंडीशनर अलग से खरीदते भी नहीं, मगर डिपेंड करता है, मैं लगाती हूँ कंडीशनर, मैं प्रोटीन भी यहाँ तक देती हूँ क्योंकि मेरा मोटा उसमें ऑटोमेटिकली वॉल्यूम है, मैं यहाँ नहीं लगाती, जो जो रंग हटाता है बास चीजें हैं जो आपका कलर भी कम कर देता है, मैं यहाँ लगाती हूँ थोड़ा सा करके ना, आई जस्ट मेक इट अ पॉइंट पूरा, ताकि मेरे ये बाल फ्रिज ना हो। अच्छा मैं भी जो जब भी मैं कंडीशन करती हूँ बाल या मास्क लगाती हूँ
सिर्फ मैं रूट्स में ही लगाती लेकिन मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाती हूँ, वजह ये हमारे बालों पे ब्लो ड्राई चीजें हो रही हैं और हमारे फ्रिजी हो रहे हैं बाल, तो हम तो नहीं छोड़ सकते। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर डे की बात कर रही हूँ कि लेट्स सपोज अगर मुझे आज इवनिंग पे कहीं जाना है, मेरे बाल भी कम है, मेरे बाल खराब भी हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, तो उस एक दिन के लिए मुझे चाहिए कि मैं अपना शैम्पू भी चेंज करूं। ऐसा नहीं है मैं गलत शैम्पू करके चली जाऊंगी ना, फिर मेरा सैलून वाला बेचारा महंगे से महंगा वॉल्यूमाइजर यूज कर लेगा, वो वॉल्यूमाइजर काम नहीं करेगा। अच्छा, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। अक्सर खवातीन शैम्पू प्लस कंडीशनर वाला की बॉटल उठा लेती है। पहले होता था शुरू में ना, मगर बाद में, बहुत पहले की बात है, कंडीशनर से बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, ब्रिटल, जब आप शैम्पू कंडीशनर एक साथ करते हैं और फिर उसको आप जब ब्लो ड्राई भी करते हैं ना, वो तोड़ता है बालों को। तो आई थिंक पहले शैम्पू फिर कंडीशनर, ये टू एंड वन वाला बिल्कुल सही नहीं है। शैम्पू वन थिंग, शैम्पू टॉवल ड्राई, हाँ, कंडीशनर एंड देन रिंस, क्योंकि शैम्पू टॉवल ड्राई, हमने तो आज तक नहीं किया, नहीं, जस्ट फॉर प्रोटीन, दोबारा नहीं नहीं, फॉर प्रोटीन, जैसे आपने शैम्पू किया मतलब पानी पूरा निचोड़ना है ना, अगर आपने देखो अगर आप टॉवल ड्राई नहीं भी कर सकते तो मेक श्योर कि आपका एक्स्ट्रा जितना पानी, अदरवाइज आपका जो कंडीशनर है वो डाइल्यूट हो जाएगा। नहीं, और मकसद है पेनिट्रेशन में थोड़ा सा जब पानी होगा तो वो अंदर इतना पेनिट्रेट नहीं करेगा। आपने पूछा कंडीशनर डाइल्यूट शैम्पू, जब शैम्पू तो हम स्कैल्प को साफ करते हैं ना, सवाल दूसरा हो गया ना, नहीं मैं वो भी उस वजह से, और ये जो तुम करी कंडीशनर वही वाली बात था कि पानी एक्सेस ऑफ वाटर हट जाए ताकि वो ज्यादा डायरेक्ट बालों में एक्स्ट्रा वाटर इज गोइंग टू क्लॉट इट डाइल्यूट एंड इट्स गोइंग टू डाइल्यूट इट्स नॉट गोइंग टू पेनिट्रेट इनसाइड, नहीं जाएगा ना, डाइल्यूट हो जाएगा ना। मतलब लाइक इसका आसान अल्फाजों में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप गीले बालों में जो शैम्पू के बाद एकदम धुले हुए गीले होते हैं ना, अभी टपक रहे पानी, अगर आप उसमें कंडीशनर लगा लेंगे तो आपके बालों के अंदर वो पहुंचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो पानी जो आपके मसाम आपके बालों के भी होते होगा ना, है बिल्कुल, तो उसके अंदर वो जा ही नहीं पाएगा उस पानी की वजह से, क्यूटिकल के अंदर नहीं जाएगा, क्यूटिकल कह ले, पोर्स नहीं। एक और चीज, कंडीशनर का भी यही असूल है, जब हम प्रोटीन लगाते हैं उसमें भी एक थोड़ा सा हाथ से कर लिया या यू नो टॉवल प्रिजर्व करके फिर आप। अच्छा, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।